वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास सेवन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर वन पे लिखा गया सॉल्व करना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन पार्ट दिए गए हैं। पहले में लिखा गया 2 - 3/5। ठीक है, तो इसके हम कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे। तो जैसे कि पार्ट नंबर वन देखते हैं। पार्ट वन में बोला गया है 2 - 3/5। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देख लो इसका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा गया है देखो 2। ठीक है, ये हो गया -3/5 है, तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। तो ठीक है, फिर इन दोनों का 5 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर ये नंबर जैसे वैसे नोट कर लो और जो साइन है वैसे नोट कर लो। ठीक है, अब क्या करो, इनमें मल्टीप्लाई करना है। किससे करोगे, अगर 1 से 5 में कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 10 हो जाएगा, -3/5 यानी कितना हो जाएगा, 7/5। ये था इसका वन पार्ट। ठीक है, तो ऐसा 2 पार्ट है। अब 3 पार्ट देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर थ्री में बोला है 3/5 प्लस में 2/7, तो यहाँ से 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 ये 7 जा हो जाएगा, यानी 3 × 7 हो जाएगा, प्लस 2 × 7 5 35 होगा, यानी 5 हो जाएगा। कितना, 7 3 = 21 प्लस 5 2 = 10 डिवाइडेड बाय 35। ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 31/35। ये हो गया पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट नंबर 4 तो ऐसे ही है, और पार्ट नंबर 5 में देख लो। पार्ट नंबर 5 देखो, ये लिखा है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ओके, तो देखो 10 5 2 इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, एलसीएम देख लो, 10 है, 5 है, 2 है, इसके ऐसे सबसे पहले 2 से ये 5 हो जाएगा, ये 5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखो 5 आएगा, 5 हो जाएगा 1 1 और 1, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 2 = 10, तो यहाँ से हो गया 10, और ये 7 × 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 × 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, प्लस 3 × 2 5 = 10 यानी 5 हो जाएगा। तो इसको करो, 7 1 = 7 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 10। ऐड कर लो सबको, कितना हो जाएगा, 7 4 = 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 और 2 26/10 ये हो जाएगा तुम्हारा 5th हो जाएगा। ठीक है, 6 में देख लो, थोड़ा डिफरेंट है, तो 6 पार्ट इसका देखते हैं। 6 पार्ट में लिखा है 2 2/3 प्लस 3 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसको कितना लिख सकते हो, देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 + 2 8 8/3 इसको लिख सकते हो, प्लस इसको भी ऐसे कर लो, 3 × 2 6 + 1 7/2 कर लो। ठीक, सब ईजी हो गया। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, और इससे 8 × 2 हो जाएगा प्लस 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 2 = 16 प्लस 7 × 3 = 21/6 कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 1 3/6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस 7th पार्ट आप कर लोगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, तो यहाँ पे ये लिखा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया नंबर्स लिया 2/9 2/3 और 8/21 ये नंबर्स हैं। तो क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा देखो यहाँ पे 9 3 21, तो सबसे पहले अगर हम जो भी नंबर होगा
ठीक है, और 9, 3, 21 इनमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जैसे ये नंबर हो गया 9, 3, 21, इसका एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, 3 से 3, 3 से 9, 1 और 3 7, फिर 3 से ये हो जाएगा 1, 1 और 7, फिर 7 से 1, 1, 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम देखो, 3, 3, 3 से कितना, 9 और 9 और 7 हो जाएगा 63, ठीक। तो यहाँ पर 63 बनाना है, यानी डिनोमिनेटर 63 ये लिखा गया है देखो, 2 बाई 9, 2 बाई 3, 8 बाई 21, ठीक है। तो अब देखो इस नंबर को, इसमें 9 है, 9 में कितने मल्टीप्लाई करोगे, 7, तो 63 हो जाएगा, ऊपर भी करोगे। अब यहाँ पे 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 21 से, और यहाँ भी 21 से, और यहाँ से भी किससे करोगे, देखो यहाँ पे 21 है तो कितने कर लोगे, 9, और यहाँ भी 9, नो नो 9 नहीं, यहाँ 3 करोगे तब 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो गया, 7 2 जा कितना हो गया, 14 बाई कितना हो गया, 63, और ये 21 42 बाई 63, और ये हो गया 24 बाई 63। अब यहाँ पे सब नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसका मतलब अब देख लो कौन सबसे बड़ा है, तो ये 42 बाई 60, 42 बड़ा है, फिर इसके बाद ये, फिर ये है, यानी 42 वाला कौन सा नंबर था, 2 बाई 3, यानी लिखोगे 2 बाई 3, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इससे छोटा है तुम्हारा 24 बाई 63, यानी कितना हो गया, 8 बाई 21। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 14, इससे छोटा 14 बाई 3, यानी कौन सा है, 2 बाई 9, ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। हमने इसका पहला पार्ट कर दिया, सेकंड आप ट्राई करिएगा, ठीक हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला गया है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम इज दिस स्क्वायर मैजिक स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं बोला गया है, इसमें सिर्फ मैजिक स्क्वायर बोला गया, जिसमें रो, सारे रो को आप सम कर लेना, सारे कॉलम और सारे डायगोनल का सम करके देखोगे तो उनका सम इक्वल आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है अलॉन्ग द फर्स्ट रो, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन हमने बताया है पीछे पीछे वाले एक्सरसाइज में, आप वहाँ से देख करके इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है, अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में ये बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगल शीट है, इसमें जो इसकी लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, और +1 25/2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो वाइड वाइड ठीक है, ये दे रखा है 10 2/3 सेंटीमीटर, इसको चेंज करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और 2 कितना हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से 2 करोगे, लेंथ कितना दे रखा है 25/2, प्लस में विड्थ कितना है 32/3, ओके, इसे सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, देखो ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 3 प्लस 32 × 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, ये 25 और 3 कितना हो जाएगा, 75 प्लस, और ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6/3, इसको ऐड करोगे तो 5 और 4 9 और 7 6 13/3, 139/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर नंबर 1 देकर ट्रायंगल ABCE, और पॉइंट नंबर 2 बोला गया दैट रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, पूछा गया, ठीक है। इसका हम कुछ आपको करने का तरीका बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में इसका फिगर दे रखा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल की बात किया है ABE, और इसी में रेक्टेंगल, सॉरी ये ट्रायंगल है और इसी में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने अलग कर लिया,
ये, तो रेक्टेंगल का अगर करोगे तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ई, यहाँ पे ये सी है और ये डी है। इसमें लेंथ की बात कितना किया है, ये दे रखा है 7 बाई 6 सेंटीमीटर, नहीं ये है तुम्हारा 7 बाई 6 सेंटीमीटर, और लेंथ की बात की गई है 2 3 बाई 4 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 3 3 बाई 5 सेंटीमीटर, और ये लिखा है 5 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो पेरीमीटर जब ट्रायंगल का निकालोगे, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकलेगा ये हो जाएगा सारे यानी ए बी प्लस बी ई और प्लस ई ए, इन सब वैल्यूज़ को आप क्या करोगे ऐड कर लोगे और सारे वैल्यूज़ पता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर की बात करोगे, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करोगे तो ये जोड़ लोगे आप सीधे, जैसे अभी जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ आपको पता है विड्थ भी आपको पता है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं था इसलिए हमने बताया नहीं, और फिर हमने दोनों में कंपेयर कर लेना, देखना कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सलील वांट्स टू पिन पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7 3 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट मोर देन 7 3 बाई 10 सेंटीमीटर, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। इसमें बोला गया है कि देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया गया है, एक साहिल है एक पिक्चर है, ठीक है ये कोई फ्रेम है, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, कोई फ्रेम में डालना चाहता है, पिक्चर इज 7 3, जो पिक्चर की वाइड है वो कितनी है 7 3 बाई 5 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ हो गई, और इसमें बोला गया है टू फिट इन द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, और जो फ्रेम है, जो फ्रेम की साइज़ है वो कितना है 7 3 बाई 10 सेंटीमीटर, ये हो गया मैक्सिमम, इससे ये हो गया, हाँ इससे मैक्सिमम ज़्यादा इसकी मतलब जो लेंथ होगी ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या करोगे, इसको देखो टर्मिनेट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और प्लस 3 38 बाई 5 हो जाएगा सेंटीमीटर विड्थ, और इसको टर्मिनेट करोगे तो 7 और 70 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 73 बाई 10। ठीक है, तो अगर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 38 बाई हो जाएगा 10 और इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6, और 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6, और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी ये ऊपर वाला नंबर देखो ये बड़ा है, इसका मतलब ये क्या कर लोगे हो जाए 76 बाई 10 माइनस 73 बाई 10 कर लोगे आप तो आ जाएगा 3 बाई 10। तो ये बोला गया हाउ मच शुड बी द पिक्चर ट्रिम, तो इतना हो जाएगा आप इस पिक्चर को ट्रिम्ड करोगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये जो है पिक्चर की वाइड है, मान लो पिक्चर बड़ा है, ये हो गई क्या पिक्चर, और फ्रेम की जो साइज है इतना है, ये कौन सी है, ये है फ्रेम की साइज। अब अगर इस पिक्चर को इस फ्रेम में डालना है तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा इस वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और ट्रिम करने के लिए क्या करोगे, इस बड़े वाले में से इस छोटे को हटा दोगे तो ये इतना इसकी लेंथ आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, और इसका निकाल दे 3 बाई 10, 3 बाई 10 सेंटीमीटर, इतना आप क्या करोगे ट्रिम करोगे। ठीक है, यहाँ से बच गया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।